कांग्रेस पार्टी हिमाचल में बाहरी राज्यों के लोगों की हो रही भर्तियों के खिलाफ है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जब जब भी सत्ता में आती है हिमाचल के लोगों के हितों को बेचने के प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हिमाचल में भाजपा सरकार द्वारा बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जब प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी भाजपा सरकार ने स्कूल कैडर के लेक्चरों के पद को गजटिज घोषित कर बाहरी लोगों को प्रदेश में नौकरियां प्रदान करने का प्रयास किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि धूमल सरकार द्वारा हिमाचल के बाहर के अपने लोगों को नौकरियाँ देकर बाद में नियम को बदला गया है। कौशल ने कहा कि धूमल के बाद अब जयराम सरकार भी बाहरी लोगों को प्रदेश में नौकरियां दे रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जयराम सरकार भी हिमाचली हितों का सौदा कर प्रदेश के लोगों से धोखा कर रही है। वहीं उन्नाव मामले में केंद्र व यूपी सरकार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्ती बरतने पर प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा की सरकारें बलात्कारियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इतने बड़े मामले को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार आरोपी विधायक को संरक्षण देती रही है। ये जो भर्तियां हुई हैं हिमाचल से बाहर के लोगों की, इसके सख्त खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब जब हिमाचल में सत्ता संभाली कहीं ना कहीं हिमाचल के जो हित हैं, हिमाचलियों के जो हित हैं, इनको बेचने का प्रयास किया है, इनके साथ समझौता किया है। ये पहली बार नहीं हुआ कि बाहर के लोगों को हिमाचल में रोज़गार दिया गया सरकार के उसमें। पहले से पूर्व भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हिमाचल स्कूल कैडर के जो लेक्चरर की पोस्टें हैं उनको गजटेड की श्रेणी में लाकर कुछ बाहर के लोगों को हिमाचल में सिलेक्ट किया गया। जितने लोगों को करना था, जिनमें इंटरेस्ट था या कोई अंडरस्टैंडिंग थी, उनको सिलेक्ट करने के बाद फिर उस जो गजटेड की जो नोटिफिकेशन थी उसको रद्द कर दिया गया। तो एक टारगेट अचीव किया, बाहर के लोगों को सिलेक्टर जो उनके चाहते थे उनको हिमाचल में स्कूल कैडर में लेक्चरर लगाया गया और उसके बाद उस कानून को रद्द कर दिया गया। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो जयराम सरकार है, इसने पुणे हिमाचल का जो सचिवालय है उसमें बिहार के और दूसरे राज्य के लोगों को जो है वो नौकरियाँ दी हैं, वो मैं समझता हूँ कि हिमाचल के हितों के खिलाफ है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट्स कर रहे हैं जगह जगह जाके, और उनके बार रोज बयान आ रहे हैं, चाहे उद्योग मंत्री के आ रहे हैं, सरकार के अफसरों के आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के आ रहे हैं कि हिमाचल में बहुत निवेश आ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये चिंता है, कांग्रेस पार्टी का ये कंसर्न है कि जिन लोगों ने, सरमाएदारों ने, उद्योगपतियों ने, धनाढ्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की चुनावों में मदद की है और जो एहसान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन लोगों के हैं उसको उतारने के लिए पुणे हिमाचल के हितों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझौता करने जा रही है, हिमाचल के हितों को बेचने जा रही है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिनके आने वाले समय में सार्थक परिणाम सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।